वहीं पलवल से विधायक करण सिंह दलाल ने हरियाणा सरकार द्वारा रद्द की गई पुलिस विभाग की कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। दलाल ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा विभिन्न विभागों के 3200 पदों की भर्ती रद्द करने को गलत बताया है, जिनका रिजल्ट तैयार हो चुका है। पलवल से कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने हरियाणा सरकार पर भर्तियां रद्द कर प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। दलाल ने कहा कि कोई भी सरकार कानून के मुताबिक प्रक्रिया में चल रही भर्तियों के नियमों में बदलाव नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती को सरकार ने दर किया है, जिसमें महिला कांस्टेबल के इंटरव्यू भी हो चुके थे। 16,880 पदों के लिए ऑनलाइन और 3,887 पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। दलाल ने कहा कि हरियाणा स्टाफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा 3200 पदों का परिणाम भी तैयार किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न विभागों कृषि, जेई, MPGW, ड्रॉप्समैन आदि हैं। करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये तमाम भर्तियां मेरिट के आधार पर की हैं, इसीलिए इनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। बच्चों ने अपना भाग दौड़ करके और उनके भाग्य का फैसला हुआ पड़ा है तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर इनको देने पड़ेंगे, और अगर नहीं दिए तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और इनके खिलाफ वही जो चौटाला जी के खिलाफ जो अभियान हमने चलाया था, JBT स्कैम जो हरियाणा में साबित हुआ, जो मेरा मुकदमा SPSC के खिलाफ आज भी हाई कोर्ट के अंदर चला हुआ है, उसी तरह की प्रक्रिया पर हमें मजबूर होकर के आना पड़ेगा। करण सिंह दलाल ने कहा कि अगर सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं करती तो वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आवेदकों से संपर्क कर उन्हें कोर्ट में जाने के लिए लीगल सेल बनाकर आर्थिक सहायता भी मुहैया कराएंगे। आफ्टर द बजट सेशन वी विल स्टार्ट द लीगल प्रोसेस, वी मे स्टे धरना और व्हाटएवर वी कैन डू, अगर फ्री लीगल सर्विस। करण सिंह दलाल भले ही सरकार द्वारा रद्द की गई भर्तियों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हों या मेरिट के आधार पर की गई भर्तियां बता रहे हों, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस के ही पूर्व विधायक विनोद शर्मा ने नौकरियों में धांधली के आरोप लगा कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। वहीं उन्होंने चुनाव में अलग पार्टी बनाकर नौकरियों में धांधली का मुद्दा बनाया और नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की घोषणा का वादा भी किया था। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, DN Night न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।